दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ वाक्यांशों के बारे में। इन वाक्यांशों को आपको शॉर्ट हैंड में लिख के बताऊंगा, उसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और जितने भी हमारे पिछले वीडियो हैं उनमें सब मैंने आपको शब्द चिन्ह सर्वनाम और सभी आंकड़े बता दिए हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर किसी कारण से आपकी प्रैक्टिस छूट गई है तो कृपया उन वीडियोज़ को देखिए और उसमें उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में मदद होगी, डिक्टेशन लिखने में आपको कठिनाई नहीं होगी। मैं आपके लिए ये वाक्यांश बना के बता रहा हूँ तो कृपया ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारा वाक्यांश है होता है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे होता और ये है, जो कि हमारा होता है। इसके बाद में आता है लगता है, इसको इस तरह से बनाएंगे लगता है। इसके बाद में आता है हो जाता है, ऐसे बनाइए हो जाता है। इसी प्रकार आगे है यह नहीं है, तो इसको लिखेंगे यह सब चिन्ह यह नहीं है, यह नहीं है। इसके बाद में है यह आवश्यक है, यह आवश्यक है। इसी प्रकार आगे है यह देखा जाता है, इसको लिखेंगे यह देखा जाता और ये है, ऐसे काट देंगे, ये हो गया यह देखा जाता है। आगे हमारा यह सुना जाता है, लिखेंगे यह सुना जाता है, ये हो गया यह सुना जाता है। इसी प्रकार आगे है अधिकाधिक, इसको अधिकाधिक, ये हो गया अधिकाधिक। इसी प्रकार आगे है अधिक से अधिक, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से अधिक। इसी प्रकार आगे है आशा की जाती है, इसको लिखेंगे आशा की जाती और ये है, ये हो गया आशा की जाती है। इसी प्रकार से आगे है चाहने वाले, इसको ऐसे लिखेंगे चाहने वाले। इसके बाद में आगे आता है चुपके से, इसको लाइन काट के चुपके से। इसी प्रकार से आगे है डील डॉल, इसको बनाएंगे ऐसे डील और ये डॉल, सॉरी डील डॉल। इसी प्रकार से आगे है साफ साफ, ऐसे लिखेंगे इसको साफ साफ। इसी प्रकार से आगे है आशा नहीं की जा सकती, ऐसे लिखेंगे इसको आशा का शब्द ना आशा नहीं की जा सकती, ये हो गया आशा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार आगे है तितर बितर, इसको बड़ा बनाएंगे ऐसे तितर और बितर का इसको छोटा बना देंगे, ये हो गया तितर बितर। इसी प्रकार से आगे है प्रातःकाल, ऐसे बनाएंगे प्रातः और ये हो गया काल, इसे इस प्रकार से लिखेंगे ये है प्रातःकाल। इस प्रकार से लास्ट में हमारा आता है धूमधाम से, इसको लाइन काट के ऐसे बनाएंगे धूम धाम से, ये हो गया धूमधाम से। तो ये थे हमारे कुछ वाक्यांश दोस्तों, इन वाक्यांशों को मैंने आपको शॉर्ट हैंड में लिख के बता दिया है। अब आपको इन्हें नोट करना है और इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। आप जितना अधिक से अधिक इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से लिखेंगे इन वाक्यांशों को, आपको डिक्टेशन लिखने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।